अपना पीएनबी वन एप्लीकेशन में यूजर आईडी बनाने के त्वरित गाइड में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पीएनबी वन एप्लीकेशन से यूजर आईडी बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूजर आईडी बनाने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट का यूजर आईडी बना लेते हैं तो आप घर बैठे ही काफ़ी जो है कि सर्विसेज आप अपने मोबाइल में हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, एटीएम के लिए अप्लाई करना, अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मनी ट्रांसफ़र करना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप अपने मोबाइल से यूज़र आईडी बनाने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाजिद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान चरणों से बताऊंगा कि कैसे आप पीएनबी वन एप्लीकेशन के थ्रू यूजर आईडी बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो और बैंकिंग वीडियो देखने के लिए। यहाँ हम स्क्रीन शॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि पीएनबी वन एप्लीकेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा, यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आप दो प्रकार के मेथड से अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं। पहला, अपने डेबिट कार्ड से आप अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं। दूसरा, आप अपने आधार कार्ड से भी यूज़र आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ हम आधार कार्ड से जानेंगे कि कैसे हम आधार कार्ड का यूज़ कर अपना यूज़र आईडी बनाएंगे। तो जैसे मैं आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमको रजिस्टर करने के लिए कुछ डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे अकाउंट नंबर हमको डालना होगा, पैन कार्ड डिटेल आप डाल सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन चैनल में मोबाइल बैंकिंग सर्विस और मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप अपने अकाउंट का फुल एक्सेस चाहते हैं तो आप मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस पर क्लिक रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, चूज परफेक्ट मोड ऑप्शनल में आपको व्यू ओनली का ऑप्टिक मिलेगा, यही आपको रहने देना है। इसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन वाले चेकबॉक को राइट चेक करना है और आपको यहाँ पर इसके बाद कंटिन्यू क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। यह ओटीपी उस नंबर पर जाएगी जिस नंबर से आप नेट बैंकिंग बना रहे हैं या फिर जो नंबर आपके बैंक से लिंक है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालने हैं और आपको यहाँ पर राइट चेकबॉक्स क्लिक कर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, लेकिन इस बार उस नंबर पर ओटीपी जाएगी जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, चाहे वो सेम नंबर हो या कोई अलग नंबर हो। तो दोस्तों, आपको वह ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को सेटअप करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना है और आपको यहाँ पर अपना टीपिन बनाना है। दोस्तों, पासवर्ड के लिए आपको लॉगिन पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर दो बार पासवर्ड अपना बनाना है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ मैथमेटिक्स के नंबर आपको सारे मिक्स कर पासवर्ड बनाना है। सेम आपको ऐसे ही यूजर ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना है और कोई भी 4 से 6 अंक का आपको यहाँ पर एम पिन बनाना है। इसके बाद दोस्तों, ये पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड आपको अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको किसी नोटबुक में इन पासवर्ड को नोट कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आपका दोस्तों सक्सेसफुली यूज़र आईडी क्रिएट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, सक्सेसफुल आपका यहाँ पर जो है यूज़र आईडी बन चुका है। दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर सीधे ही साइन इन हो जाना है या फिर आप ब्राउज़र से भी या फिर अपने मोबाइल को फिर से लॉगिन कर उस एप्लीकेशन में साइन इन हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपना पीएनबी वन बैंक का यूज़र आईडी बना सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।